सर तीसरे एक मिनट एफ आई आर दर्ज हो गया है, पुलिस जांच चल रही है, फसल की टीम आई हुई है, सारा लैब से रिपोर्ट आएगा, हिस्ट्री जिसकी समीक्षा होगी, एसआईटी गठित है, तो हर एक स्तर पे जो भी स्टेप उठाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो सारा स्टेप के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दे दी जा रही है। अभी जैसे एक घर जो है वो क्षतिग्रस्त है, आप लोग भी देख रहे हैं, तो एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है पहले से, हम लोग भी जो घर वाले हैं उनके संपर्क में हैं कि वो फिर कोई खतरे का कारण ना बन जाए, वो जो आधा जो घर टूट गया है, और एसडीओ एसडीपीओ और पूरे जो भी पुलिस और सिविल साइड के ऑफिसर हैं, नगर निगम ने बहुत मेहनत किया है, आप देख रहे हैं पिछले दो दिनों से लगभग डेढ़ दिन से तो सारी कार्रवाई चल रही है, और जो भी इसका फलाफल होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसमें, उससे आपको अवगत करा दिया। टीम के लिए जो आएगी अभी देखिए, अभी प्राथमिकी दर्ज हुई है, जांच हो रही है, और जांच का जो भी फलाफल होगा थोड़ा समय लगेगा, लैब से भी रिपोर्ट आना है, उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर से आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। देखिए, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि अभी पहले एफआईआर दर्ज हुआ है, क्रिमिनल एक्ट है, तो जांच हो जाए, उसके बाद पता चले किस स्तर पर किसकी क्या संलिप्तता है। सब लोग जान रहे हैं कि पटाखा, अवैध पटाखा का निर्माण यहाँ पे चल रहा था पहले भी, आज से 15 साल पहले भी, 20 साल पहले भी यहाँ केस हुआ है इसी मामले को लेकर के, तो एक बार हम लोग सारे बिंदुओं पे पुलिस जो है वो देख लेगी, एसआईटी बनी हुई है, उसके बाद ही हम लोग कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन अवैध पटाखा निर्माण के दौरान ये घटना जो है ये हुई है, प्रथम दृष्टया जो है इसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और इसी दिशा में जो है आगे पुलिस की जाँच और सारी कार्रवाई जो है वो चल रही है। आईपीसी सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बारे में पुलिस सारी कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी बहुत डिटेल आपसे नहीं शेयर किया जाएगा मीडिया से, जब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपको जो है बताया जाएगा। लेकिन जो घटना हुई है, जो पटाखा निर्माण का कार्य यहाँ चलता था, आसपास के लोग भी बता रहे हैं, पहले भी वर्षों में हुआ है, तो इसी पटाखा, अवैध पटाखा निर्माण के दौरान ही जो है ये विस्फोट हुआ है और ये घटना हुई। लोग भी हैं, हालांकि जो है मुख्य अभियुक्त है जिनसे हम लोग पूछताछ की जरूरत है, वो मोहम्मद आजाद हैं, जिनके परिवार में लीलावती का परिवार जो है किराए पर रहता था। टीम गठित की गई है, किया गया है, टीम लगी हुई है, उनको
विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि आज से क्योंकि ग्राहक का काम अब खत्म हो गया है, अब पूरी तरह से अनुसंधान पर फोकस किया जाएगा, इसमें अनुसंधान तेजी से आगे बढ़ेगा। लंबन की भी कार्रवाई कोतवाली है इसका थाना क्षेत्र होता है, इसी थाना की किसी एस एच ओ की जिम्मेदारी होती है, इसको हम अगले थाना से ऊपर नहीं डाल सकते हैं। और जो डी एस पी और जो ऊपर के पदाधिकारी हैं उनका काम मुख्यतः जो है प्रशासनिक काम होता है, उन्हें निर्देश देना होता है, समीक्षा करना होता है। इनके लिए ये संभव नहीं होता है कि वो प्रत्येक थाना क्षेत्र में जाके एक एक आदमी से संपर्क कर सकें, यह एक एक आदमी की गतिविधि की जानकारी बोल सके, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये थाना का उत्तरदायित्व है और सभी थाना को बार बार इसके लिए निर्देश भी दिया जाता है, उनको सेंसिटाइज भी किया जाता है कि थाना के एरिया में जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो डकैती करने वाले हों या वो शराब से संबंधित चाबी हो या वो अन्य गतिविधियाँ जिसमें कि पटाखा निर्माण या बम निर्माण ये भी शामिल है, तो उन सब की सूची बनाने का थाना को दायित्व रहता है और ऐसे लोगों के लिए लगातार सत्यापन करना होता है। थाना को कम्युनिटी से जुड़कर इंटेलिजेंस कलेक्शन अपना लगातार करते रहना होता है, तो इसमें अगर कहीं लापरवाही पाई जाती है तो थाना की जिम्मेदारी से टैग की जाती है। और इस मामले में कुछ अपील भी है शहरवासियों से, इसलिए शहरवासियों से भी अपील है, शांति स्मृति हमारी यहाँ बहुत सशक्त है, उनसे भी अपील है कि इस तरह का जो मामला है जहाँ ओपनली कोई अवैध गतिविधि चलती है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। और आप लोग इसको अगर आपको लगता है कि थाना में आपको विश्वास की कुछ कमी है तो वरीय पदाधिकारी को दें, पटना में हमारे जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ दे सकते हैं, 100 नंबर पर डायल करके जो राज्य स्तरीय कक्ष है पटना में वहाँ दे सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं पब्लिक के पास सूचना देने के लिए और उनकी उनका नाम उनका पता हमेशा गोपनीय रखा जाता है, इसकी भी कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।